आज हम बनाने वाले हैं एकदम हेल्दी तरीके से झटपट बनने वाला एक ऐसा नाश्ता जिसे आप जब मर्जी चाय बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों का टिफिन या ब्रेकफास्ट सुबह या शाम के नाश्ते में, या कोई स्पेशल डे हो या कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसे पहले से भी तैयार करके रख सकते हैं, तो आसानी से बन जाता है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है, सभी को पसंद भी आने वाला है। तो समोसे, कचौड़ी, बाकी चीज बनाते हैं उसमें ज्यादा मेहनत भी लगती है, ये जल्दी से बन जाता है और हेल्दी तरीके से हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आलू तो पहले से बॉईल कर लिए, अब इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड करेंगे। थोड़ी सी प्याज लिए बारीक कटी हुई, हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पर कोई भी मसाला डाल दें, और साथ में नमक। तो जितना आपको तीखा स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से आप मसाले कम ज्यादा डाल सकते हैं, और ये स्टफिंग बहुत जल्दी बन जाती है आलू को जैसे बॉईल करके। इसके अंदर कुछ वेजिटेबल चाहे तो गाजर को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, पनीर, चीज वगैरह। अब यहाँ पर हम डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी, देखिए ऐसे गेहूं का आटा, तो गेहूं के आटे से ही बना रहे हैं बिना मैदा के। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बेसन लिया है 1 चम्मच। अब इसके बाद थोड़ी सी अजवाइन को ऐसे क्रश करके डाल देंगे, तो ऐसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साथ में 1 से 2 चम्मच चाहे तो आप घी ऑयल डाल सकते हैं, या फिर ऐसे ही आटा तैयार कर सकते हैं। नॉर्मल पानी से ऐसे डो तैयार कर लेंगे, जैसे रोटी का आटा हम तैयार करते हैं ना, बस ऐसे ही आटा तैयार करेंगे। अच्छे से गूंथ कर इसको हम सेट कर लेंगे। आप चाहे तो अगर आपके पास पहले से आटा बचा हुआ है रोटी बनाने वाला, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। अब इसको हम रख देते हैं साइड में ढककर, और दूसरी हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बेसन लिया, आप चाहे तो बेसन थोड़ा सा कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन और सफेद तिल डाल देंगे, और साथ में डाल देंगे यहाँ पर मैंने सूजी ली है, तो 1 से 2 चम्मच डाल देंगे, तो एक थोड़ा क्रिस्पीपन आता है सूजी से। आप चाहे तो खाली बेसन से बना सकते हैं। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा नमक और पानी डालकर एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। आप चाहे तो सूजी ना डालकर ऐसे बेसन और थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल सकते हैं, या फिर खाली चावल का आटा या बेसन से भी आप बना सकते हैं। तो एकदम पतला ही तैयार करना है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा पालक और हरा धनिया लिया है, तो धनिया जो है उसकी हम पत्तियां ऐसे ही तोड़ लेंगे, ऐसे कट नहीं करेंगे, जो ऊपर की ऐसे एकदम कच्ची जो पत्ती है ना, इसके अंदर थोड़े बड़े बड़े साइज में ही हम ऐसे रखने वाले हैं, तो ऐसे आप तैयार कर ले। तो यहाँ पर जो पालक लिया है ना, आगे का डंठल है वो निकाल देंगे, खाली इसकी जो अच्छी पत्तियां है ना एकदम फ्रेश वही लेंगे। तो पालक को भी आप चाहे तो ऐसे ही ले सकते हैं कट करके, या लंबाई में देखिए थोड़ा सा मैं कट कर रही हूँ, स्ट्रिप से इसकी कट हो जाएगी थोड़ी लंबी लंबी सी, इसी से एकदम अच्छा सा बनता है। तो ऐसे आप पालक थोड़ा ले सकते हैं, या खाली धनिया ही डालकर भी बना सकते हैं। तो दोनों को मिक्स करके ऐसे बैटर के अंदर डाल देंगे जो हमने बेसन का तैयार किया ना, और ये बैटर को हम कुछ देर रखेंगे तो थोड़ा थिक भी हो जाता है ऐसे, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जो हमने आटा तैयार किया था उसको सरफेस पर रखकर सेट करेंगे, लोइसी बनाकर इसको बेल लेंगे एकदम बड़े से साइज में, जैसे रोटी बनाते हैं ना सेम ऐसे इसको हम तैयार कर लेंगे। और ज्यादा मतलब मोटा भी नहीं रखेंगे, थोड़ा पतला ही मीडियम साइज की, जैसे रोटी बनाते हैं ऐसे ही आप तैयार कर ले, देख सकते हैं ऐसे ही हमने तैयार किया। अब इसके बाद कोई भी कटोरी गिलास ले सकते हैं, ऐसे राउंड में आप कट कर ले, साइज चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पर छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ऐसे राउंड में कट करने के बाद इसको भी हम दोबारा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे छोटे साइज की मतलब मीडियम साइज ही है, सही है। अब इसके बाद जो हमने आलू की फिलिंग तैयार की थी उसको रखेंगे इसके ऊपर, और ऐसे दबाकर एक पतली सी लेयर सी बना देंगे, तो किनारे की तरफ हल्का सा छोड़कर पूरे पर ऐसे हम फिर फोल्ड कर देंगे ऐसे किनारे इसके, दबाकर थोड़ा उंगली से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर पानी लगाने की जितनी ये ऐसे ही सेट हो जाता है, देखिए। तो ऐसे आप तैयार कर ले। तो सभी के ऊपर आलू की जो फिलिंग है ना उसको आप रखें, उसके बाद सेट करें और फिर फोल्ड कर दें। इसी में आप चाहे तो देखिए और भी अलग अलग डिजाइन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे बनाकर नीचे की तरफ कुछ अलग डिजाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको ऐसे ही बना रही हूँ। बस हल्का सा सेट करें और ऐसे आप तैयार कर ले। तो यहाँ पर देखिए हमने ऐसे सभी को तैयार कर लिया। अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है उसके बाद देखिए जो हमने बैटर तैयार किया था ना बेसन का, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हल्का सा पहले से थोड़ा थिक हो जाता है क्योंकि इसके अंदर सूजी भी है ना, तो थोड़ा रखने के बाद और बेसन भी थोड़ा ऐसे थिक होता है, वैसे रखेंगे राउंड में घुमाते हुए। और जो हमने धनिया और पालक इसके ऊपर ऐसे मतलब कट करके डाला था ना, उससे एकदम यूनिक और अच्छा सा बन जाता है। बीच बीच में इन सब का फ्लेवर भी आता है ऐसे ऊपर से, देखने में भी एकदम अच्छा लगता है। तो ऐसे आप मिक्स करते हुए डालकर ऐसे पकाएं, और गैस की फ्लेम को शुरुआत में थोड़ा सा तेज रखेंगे, उसके बाद मीडियम रखेंगे,
और बीच में ऐसे आप साइड चेंज करके पकाते जाए, तो गैस की फ्लेम को अभी ज्यादा थोड़ा कम ही रखेंगे, जितना क्रिस्पी अच्छा चाहिए उतना ही आप धीरे पकाएं, जल्दबाजी में नहीं, गैस की फ्लेम को लो करके पकाएं, लास्ट में उतना ही क्रिस्पी बनेगा और एकदम अच्छे से पक जाता है, देखिए अंदर तक। तो ऐसे 2-3 बार साइड चेंज करके अच्छे से हम पका लेंगे और एकदम देखिए कितना अच्छे से पक गया, बहुत ही अच्छा से लग रहा है देखने में। तो सिंपल तरीके से तो आपने खूब अलग अलग तरीके की ऐसी स्नैक्स की रेसिपी बनाई होगी, ये बिल्कुल सिंपल भी है और आसानी से बन जाता है, अगर आपने कभी नहीं बनाया तब भी आप बना सकते हैं, देखिए कितना क्रिस्पी बना है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से बाकी को भी आप ऐसे फ्राई कर ले, बैटर के अंदर डालते हुए मिक्स करते हुए आप डालेंगे तो देखिए जो धनिया और पालक हमने डाला ना एकदम अच्छा सा आता है, ऐसे बीच बीच में दिखाई देता है और पकने के बाद एकदम क्रिस्पी भी हो जाता है। आपने पालक के जैसी कोई चीज बनाते हैं तो उसमें क्रिस्पीपन भी आता है ऐसे धनिया और पालक से, और एकदम अच्छा सा लुक भी दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप एक बार बनाकर जरूर देखना, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और गेहूं के आटे से हेल्दी तरीके से आप बना सकते हैं, आप चाहे तो देखिए इसे बेक भी कर सकते हैं एयर फ्राई के अंदर या फिर OTG के अंदर, लेकिन फ्राई करने का तरीका आसान भी है, सब कोई कर पाता है, इसलिए आप ऐसे बनाकर तैयार कर ले, देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो गर्मा गर्म इस तरीके से सर्व करें, जब मर्जी चाहे आपको बनाना हो, गेस्ट आ रहे हैं या फिर जल्दी में कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाना हो तो इस तरीके से आप ट्राई करना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और यहाँ पर टोमेटो सॉस के अंदर थोड़े से मैं रेड चिल्ली मतलब ऐसे लाल मिर्च के जो बीज से होते हैं ना कुटी हुई, उसको डालकर ऐसे मिक्स करके चटपटा सा सॉस बन जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं दिखा देती हूँ कैसे बने हैं, थोड़ा सा तोड़कर, तो देखने में तो एकदम अच्छा लग रहा है और खाने में तो स्वादिष्ट लगेगा क्योंकि हमने आलू के और प्याज उन सब की फिलिंग अंदर की है। तो यहाँ पर देखिए बाहर से क्रिस्पी अंदर से आपको सॉफ्ट लगेगा, इस तरीके से अपनी पसंद की चटनी सॉस के साथ आप खा सकते हैं। और बाहर से तो एकदम क्रिस्पी बनता है लेकिन अंदर से हल्का सा सॉफ्ट रहेगा क्योंकि आलू की जो फिलिंग की है तो उससे हल्का सॉफ्ट ही रहेगा, लेकिन स्वादिष्ट बहुत लगता है और आप ट्राई करेंगे तो आपको पसंद बहुत आने वाला है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप ट्राई करना और कमेंट करके फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्द मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।